दोस्तों, मैं हूं मैनाक और आप सबके लिए लेके आया हूं सपनों के घर का और एक फ्रेश एपिसोड। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग का जिसका एरिया है लगभग 1300 स्क्वायर फिट। तो सबसे पहले इसकी प्लॉट के डायमेंशन देख लेते हैं। प्लॉट का डायमेंशन 34 फीट 11 इंचेस × 39 फीट 3 इंचेस है एंड बिल्डिंग भी आपका 32 फीट 5 इंचेस और आपका यहाँ पे उसी एरिया में बनाया गया है। आप देख सकते हैं रेशियो जो है आपका जो बिल्डिंग एरिया का है 32 फीट 5 इंचेस × 39 फीट 3 इंचेस का, लगभग ये 1:1.5 के अंदर है। तो वो भी एक वास्तु की सबसे अच्छा है कि आपका एरिया 1:1.5 के अंदर है बिल्डिंग का, तो सारे एलिमेंट्स आपके प्रॉपरली बैलेंस्ड रहते हैं। नॉर्थ साइड में आपका रोड है, बाकी सब साइड में यहाँ पे प्लॉट है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका नॉर्थ साइड में जो सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलता है, इधर आपका ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है। तो नॉर्थ साइड में यहाँ पे आपका पोर्टिको है एंट्रेंस में ही, नॉर्थ वेस्ट में आपका स्टेयरकेस है, एयर एलिमेंट की पोजिशन में आपका स्टेयरकेस है जो कि ओके है वास्तु के हिसाब से। पोर्टिको का जो साइज़ है 12 फीट 6 इंच × 16 फीट 2 इंचेस है, इसमें आप टू नंबर ऑफ फोर व्हीलर्स रख सकते हैं और अगर आप और फोर टू व्हीलर्स भी रख सकते हैं, कुछ 5 और 6 नंबर्स टू व्हीलर्स भी यहाँ पे आराम से रख सकते हैं और आपको स्पेस भी मिल जाएगा जाने के लिए इधर ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का साइज़ है आपका 10 फीट × 11 फीट 4 इंचेस का, तो ड्राइंग रूम में देख सकते हैं आपका प्राइवेसी भी मेंटेन है। अंदर अंदर जो लिविंग रूम या बेडरूम्स के जो लोग हैं वो यहाँ पे इजीली आपका मूवमेंट कर सकते हैं, कोई प्राइवेसी उनका डिस्टर्ब नहीं होगा अगर बाहर के गेस्ट आएंगे तो। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपका एक पूजा रूम है जो कि बेस्ट लोकेशन है ईशान कोण पूजा रूम के लिए, 6 फीट × 5 फीट 9 इंचेस का। नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम है और ड्राइंग रूम के सामने पूजा रूम रहने से कभी जो आपका ड्राइंग रूम में खुशबू भी आपके इंसेंस स्टिक्स का आते रहते हैं तो वो भी एक अच्छा होता है। स्टेयर केस आप देख सकते हैं, स्टेयर केस आपका यहाँ पे सेपरेट है, मतलब आपका यहाँ पे एक्सटर्नल प्राइवेसी यानी कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेपरेट यूनिट यूज़ किया जा सकता है या तो रेंट पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है सेपरेट फ्लोर्स। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही आपको यहाँ पे एक 2 BHK का टिपिकल अरेंजमेंट यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें आपका 2 बेडरूम है और एक किचन है। तो किचन का जो डायरेक्शन है आपका यहाँ पे साउथ ईस्ट यानी कि आपका जो ईशान कोण है, सॉरी जो आपका अग्नि कोण है, अग्नि कोण में यहाँ पे किचन का लोकेशन है एंड आपका सामने किचन के सामने डाइनिंग एरिया मिल जाएगा और लिविंग एरिया भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो टॉयलेट है, टॉयलेट आपका यहाँ पे वेस्ट में दिया गया है, दोनों टॉयलेट मास्टर बेडरूम के साथ जो अटैच टॉयलेट है वो भी और आपका कॉमन टॉयलेट भी यहीं पर दिया गया है। मास्टर बेडरूम का साइज़ 11 फीट 5 इंच × 11 फीट है और दूसरे बेडरूम का साइज़ आपका 11 फीट × 11 फीट। मास्टर बेडरूम का साउथ वेस्ट में है, जैसे हर वीडियो में मैं बोलता हूँ मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में रहता है, रहने से अच्छा होता है अगर उसका साइज़ थोड़ा छोटा भी हो तो, बिकॉज साउथ वेस्ट आपका अर्थ एलिमेंट का पोजिशन होता है एंड धैर्यलक्ष्मी का स्थान भी। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से जो आपके साउथ वेस्ट में रहते हैं घर के हेड, तो उनको उनके माइंड को स्टेबिलिटी मिलता है जिससे वो इजीली अच्छा डिसीजन ले पाए। तो ये रहा आज का प्लान। दोस्तों, ये प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहें एंड स्वस्थ रहें। बाय बाय।